एक चीज जो हम आपको बताना चाहते बहुत ही ज्यादा हैं, दुखी खबर है जो आपको हमने बतानी है। वैसे तो देखो दिवाली, चाहे आज खुशी हो बट हमारे लिए तो दुख की न्यूज है। दिवाली वैसे तो खुशियों का फेस्टिवल होता है, बट इस बारी हमारे लिए एक बुरी खबर लेके आया है। हेलो एमजी फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम एमजी व्लॉग्स। और यहाँ पे हमारे धुरंधर योद्धा अपने हथियारों के साथ खेलते हुए। गाइस अपना ये स्टूडियो बन रहा है, जो भी बन रहा है, ये स्टूडियो कम ऑफिस हमारा रेडी हो रहा है। हाँ। आपको कैसा लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है जरूर बताना। और अभी यहाँ पे लग रहा है वाईफाई, क्योंकि वाईफाई अब यहाँ पे आ चुका हुआ है, इंटरनेट की कोई समस्या नहीं है। और आज हमने करने जाना है दिवाली की शॉपिंग, क्योंकि दिवाली में ज्यादा दिन बचे नहीं है, टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा कम है सजावट करने के लिए, दिवाली का सामान खरीदने के लिए। दिवाली में सबसे ज्यादा मेन जो चीज होती है ना, वो होती है साफ सफाई। हाँ। क्योंकि तभी घर एक बारी लिशकता है। हाँ। और उसके बाद फिर पूरे साल गंद पड़ता है। ये बात तो ठीक है उनका, ये बहाना होता है मम्मियों के लिए घर साफ करवाने का। अभी स्टूडियो का टूर आपको मिलेगा, जो स्टूडियो कम्प्लीट हो जाएगा तो कमेंट करके बता देना अगर आपको चाहिए। मुक्ति गौतम आ गई अंडे लेके, क्या संडे हुए मंडे रोज खाओ अंडे। मैं ना जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि मुक्ति और ओंकार रेडी हो चुके हैं। और आदित्य ना पूरा दिवाली के थीम के हिसाब से तैयार हुआ है, मतलब इसने रंगोली रंग की वही पहन ली। अच्छी लग रही है शर्ट। नहीं इसके बटन टेढ़े हैं। बटन टेढ़े नहीं होते हैं, नहीं, बटन टेढ़े बंद किए जाते हैं। नहीं वो एक बटन टेढ़ा है, ये अपने आप को ऐसे क्यों पकड़े तुमने, ये बटन आधे बंद नहीं हो रहे ना। पर चलो समझ, जब तक आदित्य तैयार हो रहा है मैं थोड़ा सा अपना स्टूडियो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही गंदी हालत हो रखी है। ये देखो ये देखो, परिया कहाँ पे है, कहाँ है परिया, वो परिया नहीं आ रही। लड़की चिपक क्यों नहीं रही आके तुमसे। मैं बचपन से भ्रम में जी रहा था, एक्स लगाने के बावजूद कोई नहीं आया, मेरी बीवी की चप्पल आ सकती है उड़ती हुई। मुझे जो परिया मांग रहे हो ना तुम, ये देख परी, ये देखो परी तुम्हारी, परी चिमड़े ना चिमड़े तुम्हें चुड़ैल जरूर चिमड़ेगी। खुद को पता ये चुड़ैल है, हंस कर गई है। वैसे तो गंदे तुम हंस रहे हो। मुक्ति मैडम को लग रही थी भूख, तो उनको किया हमने घर पे ड्रॉप कि वो खाना खा ले। और मैं और आदित्य अभी आए हैं लेने के लिए सोफा अपने नए घर पे। घर को साल हो चुका हुआ, नया घर ही बोली जाते हैं क्योंकि अभी तक सेटिंग ही नहीं हुई है। इसी के साथ मैं पेश करना चाहूंगा आपके लिए एक शायरी, दिवाली पे दिया जाता है तोहफा और अभी हम आए हैं लेने सोफा। वाह तुम इंप्रूव कर रहे हो शायरी में, नाइस। मेरे साथ रह रहे, ये कंफर्टेबल है, गर्दन 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 मुझे चाहिए, नेक रेस्ट हो जाए, आराम से बैठ के टीवी देखे। सोफा लाउंज लेना पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्या फिर ऐसे होके देखना पड़ेगा, टीवी कहाँ दिखेगा, टीवी छत पे लगाएंगे। और मेरे को ना पर्सनली देखा जाए बड़े मिनिमल वाले सोफे अच्छे लगते हैं, ज्यादा फुलावट नहीं अच्छी लगती, वो कंफर्टेबल भी नहीं होती इतने। बात सही है, अभी भी जैसे लगा हुआ है ना, है मिनिमल है बट उसका शेप ऐसा है, कंफर्ट कम है, थोड़ा हार्ड भी है उसका फोम, तो थोड़ा कंफर्टेबल सोफा देखना। और दिवाली पे शॉपिंग करने का मजा ही लगा, ये वाला ओंकार को थोड़ा अच्छा लगा। तो गाइस सोफे तो हमने देख लिए हुए हैं, बट कलर हम चूज नहीं कर सकते मुक्ति के बिना, क्योंकि मुक्ति को पता ही है ओंकार बता देगा। यहाँ पे सब कुछ फाइनल कर दे और बाद में स्यापे हुए, उससे बेटर है जो हमारा स्यापा है उसे खुद ही यहाँ पे ले आएंगे, वो खुद फाइनल कर लेंगे। तो ओंकार अब समझदार हो गया, इसे शादी का एक्सपीरियंस हो गया हुआ है पूरा का पूरा। साथ साथ तुझे टीचिंग दे रहा हूँ, तेरा ब्याह जब होना है ये चीजें फॉलो करनी है। समझ गया हूँ मैं, बिल्कुल अच्छे समझ गया हूँ। तो अभी चलते हैं मुक्ति को पिक करते हैं। जी हमारी बहुत ही ज्यादा प्यारी सी ट्रबल आ चुकी हुई है। ट्रबल? हाँ स्यापा है तो स्यापा। प्यारा सा स्यापा, प्यारा सा। कुछ देखा तुमने? हाँ हमने सोफा पसंद कर लिया, कर भी लिया, पर उसका कलर तो फाइनल करेगी ये, लेट्स गो। मैं बोल रही हूँ इस टाइप की भी अच्छी लगेगी, स्टूडियो के लिए भी और घर के लिए भी, ऐसा ले सकते हैं ना दित्ते? हम ना इस टाइम लेने आए हैं घर के लिए लाइटें, पर गलती से आ गए हम एक गिफ्ट शॉप पे और मुक्ति को ये ओंकार मैं ये वाला ले रही हूँ, अच्छा है ना, यहाँ पे टेबल सामने रखने काम आ जाएगा। मतलब ये मुक्ति अपने आपको दिवाली गिफ्ट दे रही है, घर को डेकोरेट करना होता है दिवाली पे। पक्का आदि अच्छा लगा ये वाला? बहुत अच्छा, बहुत ये वाला मैं करा रही हूँ। ये रहे पीछे भी अच्छे है वैसे मुक्ति, अच्छे तो बहुत है। मैं ये भी सोची थी लेने का, ये वाले रहने दो यार तुम खर्चा करवाओगे। आज के दिन में चीजें हमने करनी थी बहुत ही ज्यादा, पर हम हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा लेट, क्योंकि मैडम जी का मन डोल जाता है, पहले इनको खाना खाना है फिर शॉपिंग करनी है, पर जो काम की चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है। यार लाइटों की शॉपिंग करनी है ना, तो सेक्टर 18 ना बेस्ट मार्केट है, यहाँ ऐसा लगता है जैसे लाइटों का मेला लगा हुआ लगता है ना, लाइटों की मंडी लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है
लाइट वाले फ्लावर्स लेने हैं? ले ले। उसमें डालने के लिए अपने गमले वमले में अच्छा लगे? अपने आप में गमला है, गमले में नहीं डलेगा। ये कितने का है? ये 1500 का है। चलो चलो आगे आगे, खुद ही लाइटें लगा लेंगे पेड़ों में। अच्छी लग रही है ना लाइट? ये अच्छी लग रही है, कलर बड़ा अच्छा है। मुझे अच्छा लगा। 550 का बोल रहे। लड़ी कितने की है? ये लड़ी कितने की है? अपनी बड़ी वाली प्लेन वाली चाहिए, वो जो है जैसे एक ही कलर, सिंगल कलर। कलर कौन सा अच्छा लगेगा स्टूडियो? येलो है? येलो, येलो चाहिए। ओंकार भाई, तुम्हारी बीवी का कोई इलाज नहीं है। मेरी बीवी का? तेरी बहन का कोई इलाज? अब तुम्हारी बीवी हो चुकी है। वहाँ लाइटें देख रहे थे, अब ये बिस्कुट देखने लगी हुई है। मुक्ति, जो काम करते हैं वो काम नहीं करना यार। मार्केट में ना चीजें देख के चीजें याद आ रही है। तो एक तो ले ले मेरी माँ। वर्कर्स के लिए थोड़े गिफ्ट वगैरह ले लेते हैं। हम आपके बहुत ब्लॉग्स देखते हैं। ठीक है, सारा दिन यही चलता है टीवी में। वो मेरी मदर है। नमस्ते आंटी। एक बारी फिर से मुक्ति का मन गया है डोल, लाइटें लेने आए, पर लाइटें नहीं लेंगे। लाइटें ना असली, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा ना तब हम लाइटें सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये सुंदर सुंदर चीजें नहीं। बकवास वाली यार ये, मैं देखो लाइटें लेने जा रहा हूँ। सस्ता कौन सा है? देखो बंदे को जितना मर्जी पैसा आ जाए, कंजूसी है अंदर से नहीं निकलती बंदे। बिल्कुल। मेरे को बताओ, दूर हटो। हाँ? ये ज्यादा सुंदर है। हाँ? गले में पहन ले आदि। ये यार ऐसे फैला के दिखाना। अच्छा, अच्छा। ये ज्यादा सुंदर। मैं ज्यादा सुंदर? तू ज्यादा सुंदर है। अरे बताओ ना। अच्छा ये अच्छा, ये अच्छा कहती है तो मुझे पता ही है। ले लेती हूं, एक स्टूडियो के लिए हो जाएगा, एक घर के लिए। पूछ क्यों रही? ले ले फिर। पूछा क्यों था? तीन ले ले। ये वाला घर, एक तो घर ये खुद डिसाइड करेगा ना। नहीं नहीं, मैं वहाँ लड़कियाँ लगाऊंगा, मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ। ऐश्वर्या को फोन करके बुलाओ फटाफट। नहीं नहीं, मैं ना लड़कियाँ लगा दूँ घर पे, बहुत बड़ी बात है। लेना तुम दोनों, एक ले लेती हूँ घर के लिए। ले ले। तुम क्यों मुझे पंगे में डाल रहे हो? तुम ले तो लोगे, लगाना तो मुझे ही पड़ेगा ना जाके। लगा लियो। मुक्ति तो ना पता नहीं क्या क्या लेगी, बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि काम की चीजें ले लेते हैं, जैसे कि रंग, रंगोली के रंग ले लेते हैं। मैं लूंगा रंग, क्योंकि मेरे को सबसे कौन से कलर का लेगा? रंग दिखते हैं। कौन से कलर का? सारे लूंगा मैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, पर्पल। एक तो ग्रीन ले ले और एक ब्राउन ले ले। अब देखते हैं कि ग्रीन ब्राउन में कंफ्यूज उठा पाएगा कि नहीं। हाँ, ये कौन सा कलर है? ये ग्रीन है। हैं? ग्रीन ग्रीन। अच्छा, ब्राउन तो है ही नहीं यहाँ पे। ऑरेंज ले लेते हैं और ये रेड सा ले लेते हैं, पिंक रेड। बस इतने कलर पता है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये सी ग्रीन। और ये? ये पिंकिश है, डार्क पिंक, रेड पिंक। ठीक हो गया लड़का, देख रहे हो? देख रहे हो कितने अच्छे कलर दिखते हैं मेरे को। कितने का भैया? पैकेट 10 रुपये का सर। कितने का भैया ये? ये 2 रुपीज़ का सर। जल्दी चल, मुक्ति लड़ियाँ लेनी है। तुम एक तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब तक तुमने लड़ियाँ क्यों नहीं ली? 24 की आइटम सही है। देखो, पंछी को अंदर रखने से अच्छा ये नकली पंछी कितने क्यूट लग रहे हैं। तो मुझे लगा अभी तो ज्ञान की बात बोलेगी। हाँ, वही तो ज्ञान की तो बात थी। ये तोता और मैंने, हाँ दोनों पिंजरे में। वो व्हाइट कलर का होता है, जो कलर जो भी होता वो है। ड्रीम कैचर, ड्रीम कैचर। हाँ, ये देख, देसी ड्रीम कैचर, इंडियन ड्रीम कैचर। इसका इसको पीछे लगाने से आपको राजस्थान और इंडिया के ड्रीम्स आएंगे। ओ, अगर आप ट्रेवल करने के शौकीन है और राजस्थान आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप ये वाला ड्रीम कैचर लीजिए। आदि हुए मेरी फोटो खींच, बैकग्राउंड में ये लाइट आनी चाहिए, ठीक है? ऐसा लगे कि मैंने अमिताभ बच्चन वाली जैकेट पहन ली है। जबरदस्त फोन में ही आएगी है तो। आजकल दिवाली की लाइट जो है बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो चुकी है, सिर्फ लड़ियों तक सीमित नहीं रहा है। आप सामने देख सकते हैं पंख भी बन चुके हुए हैं। तो गाइस फाइनली शॉपिंग हो गई है। क्या क्या लिया हमने? क्या ले लिया हुआ है? लाइटें वगैरह ली है, डेकोरेशन का थोड़ा सा सामान लिया, रंगोली का सामान लिया। मेरे को गिफ्ट लेने हैं जो तुमने मुझे रोक दिया बीच में। अभी रोका है हमने इसको। हाँ, नहीं दे रहा इसने कर दिया है और रोका हमने। हुआ नहीं अभी दूसरी। नहीं भाई, गिफ्ट विफ्ट लेने तो हैं, बट पहले हमें ये था कि लाइटें और डेकोरेशन का सामान ले लो। देखो ओंकार भाई, हम भी शॉपिंग के लिए एक्साइटेड होते हैं एज ए लड़के। हमने सोचा था दिवाली शॉपिंग करेंगे, बट जो शॉपिंग करने के लिए प्रिजर्वेरेंस चाहिए, जो मतलब हिम्मत चाहिए, वो लड़कियों में होती है। अब हम थक गए हैं इतने में यार। नहीं, अगर मुक्ति की जगह मतलब एक दुकान पे जाते हैं, जो जो चीजें सामने दिखती है वो ले लेते हैं, आ जाते हैं। ये जाती है 10 दुकानों में और उनपे भी नहीं खरीदती एक भी नहीं। उसके बाद 10 और, फिर एक आधी चीज, फिर 10 और, फिर दूसरी चीज। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी, हिम्मत रखने के लिए भी। भाई मार्केट में ब्रांडेड ग्लासेस आ चुके हुए हैं। आगे से आप नॉर्मल कप्स में चाय पत्ती पीना, शनैल के या फिर एलवी। भाई ये टूट भी गया, खर्चा बड़ा हो जाएगा। नहीं, ये वाला ना साची है ग्लास, वो साची लेटेकोरियन। अच्छा, कितने का ग्लास है? 8.5 हज़ार के।
8,500 का ठीक है। अच्छा मुझे लगा एक गिलास 8,500 का, मतलब इसमें पिएगा क्या। अब ना किसी और के लिए हम गिफ्ट लेने आए थे यहाँ पे, और अब धीरे धीरे करते हुए गिफ्ट अपने में बदल रहा है। अब ये अपने लिए प्रेस खरीद रहे हैं, कर क्या रहे हैं बताता हूँ। ये है हमारी शादी के बाद पहली दिवाली। हाँ। तो ओंकार ने बहुत सोच समझ के एक्चुअली, पता है कि मैंने ना खुद प्रेस करके कपड़े काफी जला दिए, तो ओंकार को लगा कि वो कौन सी स्टीम प्रेस आती है। हाँ। वो ले ले, तो वैसे वो मेरा आइडिया ये, मैं इसको दिवाली गिफ्ट पे ये दूंगा स्टीम प्रेस, और ये मुझे स्टीम करेगी बदले में, डाइट प्लान देगी जिसके अंदर पिज्जा बर्गर ही इंक्लूड होंगे। 10 kg 10 डे इंक्रीज करेंगे वो। फिर एक काम करो, तो अपना डाइट प्लान खुद ही बना लो। चलो ठीक है। हाँ। पर मुक्ति मुझे बोलेगी कुछ नहीं, यही तो चाहिए इसको कि मैं कुछ बोलूँ ना। तो ये पहले जो गिफ्ट लेने हैं ना वो ले ले, उसके बाद घर का सामान ले ले। मुझे घर के लिए प्रेस, मुझे घर के लिए प्रेस लेनी है। 15 साल से मम्मी एक ही प्रेस यूज कर रही है। 15 साल से? हाँ। ज्यादा हो गए? नहीं नहीं पागल, कम हो भी। अरे कहाँ, उसकी तार बदलवाते रहते हैं बस, नई प्रेस नहीं लेते। हाँ वो मेरे को करंट लग गया था कुछ दिन पहले, नई प्रेस लेनी है घर के लिए। ये तूने गिफ्ट पैक करा लिया? हाँ। मेरे सामने लेके मेरे घर पे तू गिफ्ट पैक करा के दे दिया। तूने देखा, घर वालों ने थोड़ी देखा। भुक्ति टाइम नहीं है हमारे पास, निकल यहाँ से। खुद इन्होंने कुछ देखना नहीं, मुझे देखने नहीं देना टाइम से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिवाली का बेस्ट गिफ्ट क्या होता है। वो होता है ये वो, इसलिए क्योंकि ये खाने के बाद और भी बहुत ज्यादा चीजों में यूज होता है। जैसे कि मेरे घर पे यूज होता है ये दवाई का, नहीं नहीं सुई दाग का तो बाबा आदम के जमाने में होता था। मेरे घर वाले दवाइयां रखते हैं इसके अंदर, मेडिसिन किट है उनकी। तो ऐसा पहुंच गए हैं फाइनली घर एक बार, और शॉपिंग कर करके दुख गई हमारी टांगे। क्या हाल है, कैसे हो? कुछ कुछ ठीक है आगे से, और आपको देख के और बहुत बढ़िया हो गए हैं, आनंद आ गया जिंदगी का। ये लो मम्मी, ये क्या नई प्रेस? इतना पैसा खर्च करता है लड़का, पुरानी पड़ी थी। मैं कहा तार, मम्मी कह रहे पापा तार बदलवा लेंगे। मैंने कहा कब तक तार बदलवाते रहोगे? नहीं मम्मी जब प्रेस करती हैं तो लेके क्यों आया? मैं करता हूँ ना अपने कपड़े कभी कभी। ये तो सबसे बड़ा झूठ था, ये कभी कब से प्रेस करने लगे कपड़े? देखो उस दिन मुझे लगा करंट बहुत जोर से, तो मैंने कहा प्रेस नहीं आएगी। पता क्या है, जब से इसका रोका हुआ है, जब से इसका रोका हुआ है तब से ये प्रेस में ठोका हुआ है। शहर बन गए पापा, बूढ़ी भी देख देख के शहर बन चुके हैं हमारे। अब पता चला शायरी मेरे को कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। नहीं नहीं उसी तेरे को दिया यहाँ से, ये फिर भी अच्छी थी, तेरी बहुत गंदी होती है। तो आंचल ने निकाल लिए हैं अपने गिफ्ट्स जो कि अपने स्कूल से लेके आई है हमें देने के लिए। वो मुझे नहीं पता, दे दे हमें तूने आपको के लिए। हाँ, दिवाली के लिए। ओए होए आंचल मैडम ने कैंडल्स की लगा दी हुई है पूरी मंडी, यहाँ पे बेचने तुमने स्टॉल लगाने? नहीं नहीं आप चूज करो आपको इन तीनों में से कौन सा कलर चाहिए। अच्छा अपने लिए ये एक्चुअली ना इसकी जहाँ पे स्कूल में जाती है ना अपनी इंटर्नशिप करने, वहाँ पे ये कुछ एग्जीबिशन लगा होता है। एग्जीबिशन हाँ, दिवाली पे बच्चे बनाते हैं तो बच्चों ने खुद बनाई है। ये फ्लोटिंग कैंडल है। ग्रीन कलर भी प्यारा, ग्रीन मुझे वो कलर अच्छा लगा पापा। नहीं और साथ में टी लाइट कौन सी? ये भी फ्लोटिंग है, ये भी फ्लोटिंग है। फिर ये क्या बोलते हैं इसको, टी लाइट कैंडल्स। टी लाइट चाहिए साथ? पता नहीं ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। येलो येलो ना, चलो ये दो ले ली मैंने। और ये लो, वाव थैंक यू आंचल। तभी मैंने दिए नहीं लिए क्योंकि मुझे पता था कि आंचल ने हमारे लिए कुछ खरीद रखा है। ये 21 दियो का सेट है मैम। और हाँ एक चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत ही दुखी खबर है जो आपको हमने बतानी है। वैसे तो देखो दिवाली चाहे आंचल खुशी हो बट हमारे लिए तो दुख की न्यूज है। दिवाली वैसे तो खुशियों का फेस्टिवल होता है, बट इस बारी हमारे लिए एक बुरी खबर लेके आया है, वो ये कि आंचल शर्मा हमें अलविदा करके जा रही है। जी हाँ, दुख की खबर, मैं तो खुश हूँ। आप लोगों के लिए दुख की खबर है, आपसे छुटकारी मिली। मैं मम्मी पापा से मिल रही हूँ, एक दो दिन तो खुशी खुशी में निकालूंगी। खुशी में रही हूँ मैं, कंफ्यूज। अरे आ जाऊंगी वापस यार, इतना मिस करूंगा। कौन रहा है तुझे? बुला कौन रहा है? आजकल बेइज्जती करनी है बस किसी ना किसी को तेरी। भैया आप ऐसे ही शादी कर लेना मेरे बिना, मैं नहीं आना। तेरे बिना शादी नहीं होगी है ना। वैसे भी देखा जाए आजकल एक डायरेक्टरी आप सबको बता चुकी है कि आदित्य की शादी बहुत ही ज्यादा जल्दी। वीडियो भी मैं बनाऊं, बेइज्जती मैं कराऊं, ए रिवील भी मेरी चीज ही हो रही है, मैं नहीं बना रहा वीडियो। एक चीज बता दो, कौन कौन एक्साइटेड है?
आदित्य की शादी के लिए सच्ची में मेरे से पूछ लो कोई इधर भी पूछ लो कोई। अभी आदित्य गौतम जी ने जाना है जिम और मैं और मुक्ति जा रहे हैं अपने घर क्योंकि भूख लगी है बहुत ज्यादा जोरों शोरों से। कांच की बॉटल ठा टूटी। चल ठीक है बाय बाय। कमेंट करके बोल दो आंचल भी गोना मिस यू। वैसे भी हमने आंचल से भी थोड़ी टाइम बाद फिर से मिलना है। हाँ, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा है कहीं पे जाने का आज ही, बट उससे पहले कुछ खा ले यार घर जाके। तो जी घर वालों को अभी देते हैं उनका दिवाली गिफ्ट और देखते हैं उनको अच्छा लगता है या नहीं। मुक्ति डिग्गी बंद करते मेरे हाथ बिजी है। हैप्पी दिवाली। वैसे तो मम्मा मुक्ति ने इस दिवाली ना काफी शॉपिंग कर ली हुई है, बट एक चीज है जो उसने मतलब बहुत ज्यादा चाह से खरीदी और आपको दिखाना चाहती है लेके। मैंने तो सारी चाह से खरीदी है। मतलब एक है ना जो बोलो ऐसी डेकोरेशन के लिए, ऐसे कोई स्पेशल नहीं है, सारी ऐसी है। स्पेशल तो आप हो यहाँ के लिए लेके आई हूँ यहाँ पे रखने के लिए क्रॉकरी टेबल के लिए। मैं कि जैसे सेंटर में जगह है ना यहाँ पे लेग्स भी हिलती है बस हाथ भी हिलते हैं यहाँ पे डेकोरेट हो जाएगा है ना। आप सबको ना एक घर की लेटेस्ट अपडेट मैं देना चाहूंगा। माता जी आके पूरे तरीके से सेटल हो चुके हैं घर पे और अब पिताजी ने जो मम्मा के पीछे से खाना बनाना सीखा था रोज बना के मम्मा को टेस्ट कराते हैं। अभी आप सोचोगे कि पापा नहीं खाना बना रहे मम्मा बना रहे हैं, तो वो बना चुके हैं पापा। आज पापा ने बनाई है कुल्फी। कहाँ पे मुक्ति कुल्फी? ओए होए होए होए, सर्दियाँ आ रही होती है गर्मियाँ जा रही होती है उस टाइम पे कुल्फी का अलग ही मजा होता है। कुल्फी आइसक्रीम ना हमेशा अच्छी लगती है, मतलब गर्मी में तो अच्छी लगती है ठीक है, और जब सर्दियाँ आती है तो खाने में और भी मजा आता है। वाह, आज कौन से फ्लेवर की वैसे? आज मेरा चिड्डे हो गया। मम्मा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हस्बैंड खाना बना रहा है, स्वाद बनाता है। तो जी खाना जो है वो हमने खा लिया हुआ है और अब हम जा रहे हैं एक बार फिर से खाना खाने। एक्चुअली आदित्य की शादी सच में होने वाली है बहुत ज़्यादा जल्दी, तो उसके लिए हमने वेन्यू वगैरह देखना है, केटर वगैरह देखना है, तो अभी फूड टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। आदि क्या चल रहा है भाई? तेरी शादी के लिए खाना टेस्ट कर रहा हूँ, अपनी डाइट कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं स्टूडियो, और हम लोग से मेरा मतलब है मैं और ओंकार। मुक्ति ने सुबह जाना था जिम तो वो घर पे ही रुक गई। तो इसी के साथ करते हैं गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। आपको मिलेगा अगले व्लॉग में। ये व्लॉग अच्छा लगा तो पक्का लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एक चीज कमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि आदित्य को कांग्रेचुलेशन कर दो। किस लिए? शादी होने वाली है तेरी। अरे कहाँ होने वाली है भाई, कहाँ है, ऐसी जबरदस्ती बोली जा रही है। अच्छा जी, जबरदस्ती चल रही है। शादी के वेन्यू देखने जा रहे हैं, केटरर फाइनल हो रहे हैं। कोई नहीं फाइनल हो रहा अभी, कोई नहीं फाइनल हो रहा है। गाइस गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। ये पागल हो गए सारे। गुड नाइट।